टोटल कर लेते हैं एंड देन वी डिवाइड इट विद द टोटल ऑफ द वेट्स, तो हम लोग क्या मिल जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज, वेट्स अप्लाई कर देंगे यहां पे, वेट्स मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट, उसका टोटल डिवाइडेड बाय वेट्स का टोटल, तो तुमको क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज। ये कौन सा एवरेज है, ये सिंपल एवरेज है, वो वेटेड एवरेज है एंड देन रेस्ट इज द सेम। क्लियर है, वी डोंट हैव इन अवर सिलेबस, तो मैंने उसको क्वेश्चन भी रखा नहीं है, बट थियरी में छोटा एक पार्ट लिख के दिया है मैंने वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में जो मैंने इशू किया है, वहां पे आप देख लेना। क्लियर है, और मैं उसको ब्रैकेट्स में लिखा भी है एस्टिक साइन करके, ऐसा कि नोट इट इज नॉट इन द सिलेबस। अच्छा, अभी हम लोग को एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा ना, अभी एक और स्टेप इसको हम लोग आगे अपग्रेड कर दिए चैप्टर को। तो वी हैव डन विद द विद मेथड दैट इज सिंपल एवरेज मेथड। यहां पर हम लोग क्या करें, एफ एम पी को नंबर ऑफ यूर्स से परचेज कर देंगे, खत्म हो गया। एज एट सब्जेक्टिव ना, तो क्या होता है मालूम है कि इसके मेथड्स बहुत सारे हैं, अपने को सिलेबस में सिर्फ चार है बट प्रैक्टिकली ना, प्रैक्टिकली इफ आई टेल यू ना, तो प्रैक्टिकली आर अनलिमिटेड मेथड्स। ये बोलता है ऐसे, ये बोलता है ऐसे, बोला नहीं ये बोलता है ऐसे। अभी इसी चीज को है ना, इसी चीज को उन्होंने अपग्रेड कर दिया। एक भाई साहब आया, वो भाई साहब क्या बोलता है कि भाई ये स्क्रैप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूं। वो क्या कर रहा है, वो इसको एक और स्टेप आगे लेके गया। उसने क्या बोला मालूम है कि ठीक है, तुमने इसको ये ले बेस ले लिया, ओके वेरी नाइस, बहुत सही, जबरदस्त, आई एम अग्रीइंग विद दैट। वो क्या बोलता है मालूम है, देयर आर टू फर्म्स ए बी, इफ आई एम हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, यू आर हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, सो विच इज बेटर, दोनों सेम ही है यार। अच्छा, बट इफ आई टेल यू आई एम हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 एंड दिस फेलो इज हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 22,000, सेम मार्केट, सेम इंडस्ट्री, बट दैट इज अ चेंज इन द प्रॉफिट। इसने भी उतना पैसा लगा, ये भी उतना पैसा लगा, इसने भी इतना एफर्ट्स लगाया, उसने भी इतना एफर्ट्स लगाया, बट द डिफरेंस इन द प्रॉफिट, देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट, he is having an extra profit, he is not having a normal profit, he is having more than a normal profit. So ye bhai sahab kya bolta malum hai, I will be taking into consideration not the average profit, I will be taking into consideration the profit which is over and above the normal profit. So main aa raha, to he is not taking नॉर्मल प्रॉफिट, वो क्या बोल रहा है, आई बी टेकिंग एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट्स। तो उसका मेथड उसने बना दिया, क्या बना दिया मालूम है, सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल मत बोलो, सुपर प्रॉफिट बोलो। तो यहां पर क्या करेगा मालूम है, वो ही विल कैलकुलेट हिज प्रॉफिट, ऑफकोर्स वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, और वो क्या करेगा मालूम है, ही विल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट दैट अदर्स आर अर्निंग। अच्छा, वो कितना कमा है यहां पे, 22, दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं वहां पे, 20, सो व्हाट इज द एक्सेस दैट इज अर्निंग, 2,000, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसके बेसिस पे वैल्यू करो ना, है ना, क्योंकि प्रॉफिट सबको होता है। आप लोग अगर मुंबई में रहते हो तो आप लोग को पता है देर इज एन एमएम एंड देर इज सुरभि, वो लोग वड़ा पाव बेचते हैं बड़े लेवल पे और करोड़ों कमाते हैं, उसका प्रॉफिट एंड दैट नॉर्मल जो रस्ते पे वड़ा पाव बेचते हैं दैट हॉकर, उसका प्रॉफिट क्या कंपेयर कर सकते दोनों को भाई, वो नॉम, अरे उसका लेवल ही अलग है यार, इसका भी लेवल अलग है, आर वी गेटिंग इट। तो ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो भी सेम इंडस्ट्री है, बट इसका गुडविल तो यार अलग लेवल के ऊपर है, बिकॉज इज हैविंग अ सुपर प्रॉफिट, अ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे एक स्टेप्स आ गया ना मेरे को, तो पहला स्टेप क्या होगा मालूम है, आई विल बी कैलकुलेटिंग माय एक्चुअल प्रॉफिट, माय नॉर्मल प्रॉफिट और माय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, फिर बाद में क्या कैलकुलेट करूंगा मालूम है, व्हाट इज द प्रॉफिट दैट अदर्स आर अर्निंग इन द मार्केट। तो कह रहे से आई विल बी वॉन्टिंग माइन
एफएमपी फर्स्ट स्टेप आई विल ऑल्सो बी वॉन्टिंग माइन नॉर्मल प्रॉफिट दैट आई शुड अर्न बीइंग इन दिस इंडस्ट्री. सर आपने यहां पे दो लाइन क्यों छोड़ा? माल आई नो आई टेल यू अबाउट इट. आप TYBCOM में हो ना तो सिंपल तरीके से सब कुछ क्वेश्चन में नहीं मिल जाएगा तुमको. वो क्या बोलेगा मालूम है कि नॉर्मली है ना बिजनेसेस है ना तुम्हारे सेक्टर के अंदर तुम्हारे इंडस्ट्री में दे अर्न द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. वो 10% कमाते हैं. 10% किस पे कमाएंगे? जितना तुमने इनपुट किया है. तो वो बोलेगा कि आपने कितना इनपुट किया है, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड. शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं यहां पे. ये मेरा प्रॉफिट है. नॉर्मली द रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट इज 10%.